हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट फ्रेंड। आज मैं स्कैन चेंजर के एपिसोड में कुछ जो चेंजेस है, फिर कुछ डेवलपमेंट्स हुए उनके बारे में मेरे ओपिनियन और थिंकिंग आपके साथ शेयर करने वाला। कुछ कंपनी रिलेटेड कुछ फाइनेंशियल मूवमेंट्स मैंने जो कुछ न्यूज़ फ्लो से ट्रेस आउट किए या फिर ट्रैक किए वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पहला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल एक्चुअली नवंबर में सेबी ने एक सर्कुलर लाया था जो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो यूपीआई को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आईपीओ प्रोसेस में। जनरली आईपीओ प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग जब भी आईपीओ के लिए पैसे ये करते हैं तो पहले उसको 18 दिन कुछ लगते थे, फिर वो बाद में 12 दिन पे लेके आए सेबी, और फिर अभी 6 दिन पे मोस्टली वो वर्कआउट हो जाता है। तो उसके अंदर क्या हो जाता है, ASBA करके जो सिस्टम यूज़ होता है मनी ब्लॉक करने का, उसके अंदर पर्टिकुलर अमाउंट जो 14-15 हज़ार का एक छोटा लॉट होता है बेसिक, तो उतने पैसे उसके अंदर ब्लॉक हो जाते हैं और वो रिलीज़ होने को लिस्टिंग के बाद भी टाइम लगता है। तो वो एक्चुअली इस वजह से लगता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे हैंड से वो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, पहले आपके बैंक अकाउंट में जाते हैं, आपके बैंक अकाउंट से ब्रोकर में जाते हैं, ब्रोकर से इसके पास, उसके बाद ऐसे करते बहुत सारे पाथ वो ट्रैवल करते हैं, तो उन सब वजह से उसमें डिले होता है। तो अभी सेबी ने यूपीआई का ऑप्शन चालू किया है, तो ये पहला आईपीओ होगा इंडिया का और वो भी 2019 का फर्स्ट, जिसके अंदर वो होगा जेल्प मॉक डिज़ाइन करके एक छोटी सी कंपनी है, उसका आईपीओ आ रहा है। तो उसके अंदर यूपीआई का ऑप्शन ऑप्शनल है, मतलब ये ऑप्शन जो यूपीआई का है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आप लोग को पता होगा जैसे कि गूगल पे है या फिर पेटीएम के अंदर या फिर बहुत सारे बैंक के जो मोबाइल ऐप है उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। तो वैसे ही अभी आईपीओ में आप वो ऑप्शन आपका आईडी दे सकते हैं, फिर वो आईडी ब्रोकर लेगा और ब्रोकर वो फॉरवर्ड करके फिर आपको एक रिक्वेस्ट आएगा, उतने पैसे आपके अकाउंट से माइनस होने वाले या फिर ब्लॉक होने वाले उसके लिए। तो इससे प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा, स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। और ये जो है पहले 5 आईपीओ को या फिर मोस्टली 3-4 मंथ्स, बहुत सारे डिटेल्स उन्होंने दिए उनके इस रेगुलर ये नोटिफिकेशन में, और कैसे करना है क्या करना है उसका पिक्टोरियल बहुत ही अच्छा सेबी ने उनके जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर अपलोड किया हुआ। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट यूपीआई आने शुरू हो रहा है। उसके बाद बहुत सारे स्टॉक्स में मूवमेंट था, और जब मैं ये वीडियो बना रहा था निफ्टी ने मोस्टली 10,760 तक डाउन टच करके 10,800 पे वो लगभग सेटल हो गया था, 10,780 पे। तो बहुत सारा डाउन मूवमेंट आया था फ्राइडे के दिन, ओके। तो उसके अंदर बहुत जो सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था वो जी का था, जी मीडिया के नंबर्स आए थे कल, उसके बाद मारुति के नंबर्स आए, मारुति ने जो एक्चुअली जी के नंबर्स के वजह से ज़्यादा जितना वो 20-30% डाउन मूवमेंट हुआ उसका, तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो था जी के रिलेटेड एक द वायर करके न्यूज़ प्रोवाइडर है, तो उसके अंदर न्यूज़ आई थी कि जी का डिमोनेटाइजेशन में कुछ थोड़ा बहुत पूरा क्लियर न्यूज़ तो आया नहीं है, वो अभी डिटेल मंडे को मोस्टली मंडे तक हो जाएगा कि जी का डिमोनेटाइजेशन रिलेटेड मनी में कुछ एंगेजमेंट था या फिर कनेक्शन था, तो वो उसका इंक्वायरी सोच के बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट करने शुरू किया, और जब वो लोअर लेवल्स में आ गया 300 तक लगभग सेटल हो गया था फाइनल प्राइस, तो वहाँ पे बहुत सारे आई थिंक जो शेयर्स होंगे वो ट्रिगर हो गए रहेंगे शॉर्ट्स, तो उसकी वजह से बहुत सारे जो एन एम कर्ड इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा मैं, तो फिर वो ऐसे जो स्टॉक्स होंगे वो ट्रिगर हो गए होंगे। बाद में मारुति के जो मार्जिन्स थे वो लगभग 12-13% एक्सपेक्टेड थे, तो वो 7-8% तक आ गए, उनका वॉल्यूम हालांकि अच्छा रहा मगर ओवरऑल उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज हुआ, तो उसने डाउनवर्ड प्रेशर डाला, 7-8% 6,500 तक मारुति टूटा था। उसके बाद ICICI का कुछ इशू चल रहा है, जो कि चंदा कोचर और न्यू पावर जो चंदा कोचर के हस्बैंड है उनका जो लिंक था लोन रिलेटेड इशू में, तो उस पर CBI ने कुछ छापे डाले ICICI के ब्रांचेस पे या फिर न्यू पावर के ऑफिसेस पे वगैरह, तो उससे निगेटिव न्यूज़ फ्लो थोड़ा सा आ रहा था। ये मुझे समझ में नहीं आया कि इतने दिनों के बाद, अगर एक मेरा ओपिनियन था कि CBI अगर छापे डालेगा तो उनको क्या मिलने वाला, मतलब कोई चीज़ हो जाती है उसके 6 महीने 1 साल बाद, फिर भी देखेंगे, शायद रिकॉर्ड्स को कुछ ट्रेस करने की उनकी कोशिश रही, वी आर शॉर्ट ऑफ इन्फो ऑन दैट, ओके। बाद में यस बैंक, इंडिगो,
इनसे तो पॉजिटिव न्यूज़ सबको पता है कि उनके जो हेड्स है MD CEO वो चेंज हुए, NDO के न्यू कंसल्टेंट अपॉइंट किया जिनको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस अच्छा है, तो उसकी वजह से 10-20% यस बैंक ऊपर था, शॉर्ट कवरिंग भी थी। बाद में CSE स्प्लिट हो गया और CSE स्प्लिट होके भी वो डाउनवर्ड ट्रेंड में ही था, उसमें कुछ पॉजिटिव ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया। उसके बाद माइंड ट्री में जो सिद्धार्थ है उनके जो फाउंडर थे, इनिशियल इन्वेस्टर थे, उनका जो 21% इन्वेस्टमेंट था तो वो एग्जिट करने का प्लान कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा मोमेंट है माइंड ट्री के लिए। उसके बाद में बायोकॉन का प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा डबल कुछ लास्ट कंपेयर में अप हुआ, तो वो एक पॉजिटिव मोमेंट उनके बायोलॉजिक्स जो सेक्शन है उसमें बहुत अच्छा खासा उठाव दिखा। उसके बाद लिंडे इंडिया, इसके बारे में बहुत गॉसिप चल रहा है मार्केट में, तो लिंडे इंडिया के बारे में एक न्यू चीज़ ये हुई है, वो इशू न्यूज़ में इसलिए आ रहा है क्योंकि वो डीलिस्ट करना चाहते हैं उनकी जो DOC या फिर ROC, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम, वो कंपनी उनको डीलिस्ट कर रही है उनकी जो। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, आप चाहिए तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो वो लिंडे इंडिया उसको डीलिस्ट करना चाहती है, तो उसके अंदर फर्स्ट टाइम सेबी ने लिंडे इंडिया के लिए रिवर्स बुक बिल्डिंग प्राइस डिस्कवरी का मेथड यूज़ किया था, जिसके अंदर जो शेयर होल्डर्स है जो अभी होल्ड करते हैं डिलीवरी में शेयर, तो वो बिड कर सकते हैं कि हमें कितने प्राइस पे डीलिस्ट करना है उसको। तो बुक बिल्डिंग होगा और उस हिसाब से एक एग्रीमेंटल प्राइस उसके अंदर अराइज होगी, तो वो लगभग लोगों ने 2000 या फिर 2200 के करीब लोगों ने डिमांड किया, जो कि शेयर अभी चल रहा है 600-700 के बीच में, तो ये जो कंपनी है उनके लिए बहुत ज़्यादा था। तो आई गेस उससे रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशंस के बारे में न्यूज़ चल रही थी कि लिंडे इंडिया वो कैंसिल करने की कोशिश कर सोच रहा है, और दूसरा ओपन ऑफर के जरिए वो लाने की कोशिश करेगा, बट उसमें भी बहुत सारे इश्यूज आएंगे क्योंकि उसके अंदर म्यूचुअल फंड का बहुत अच्छा खासा होल्डिंग है और रिटेल इन्वेस्टर्स भी अच्छे आ गए उसके अंदर, फिर भी उनका 75% ओनरशिप है उसके अंदर। ओके, तो ये स्टॉक्स का न्यूज़ था। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ मुझे जो लगी वो, या फिर एक इम्पोर्टेंट अपडेट जो लगा वो था रतन टाटा का जो ड्रीम कार था नैनो कार, जो स्मॉल फैमिली या फिर लोअर इनकम ग्रुप के लिए उन्होंने बेसिकली डिराइव किया था, बनाया था, उनका ड्रीम था, वो नैनो कार अभी 2020 से बंद करने जा रहे हैं। तो इट इज़ रियली सैड फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट, इनोवेटिव और न्यू प्रोडक्ट लाइक नैनो। सो और उसके बाद व्हाट्सएप ने एक न्यू अपडेट डिस्क्लोज किया या फिर मार्केट में फ्लो किया, वो था कि व्हाट्सएप का जो बिजनेस उन्होंने ऐप निकाला था बिजनेस के लिए, वो फ्रेंडली था कस्टमर्स से इंटरेक्ट वगैरह करने के लिए, तो उसके लगभग 50 लाख वर्ल्ड वाइड यूजर्स आ गए, तो इट इज़ रियली गुड फॉर व्हाट्सएप एंड ओवरऑल ई कॉमर्स एंड इंटरनेट रिलेटेड बिजनेस। उसके बाद एक कॉम्पिटिशन चल रहा है, वो एक्चुअली उसका नाम थोड़ा सा सऊदी वगैरह टाइप है, मोहम्मद बिन समथिंग, तो बहुत बड़ा ड्रोन का कंपटीशन है, उसके अंदर TCS और IISc ने जो रोबोट ड्रोन बनाया था तो वो टॉप 21 में सिलेक्ट हुआ। इट इज़ रियली अ गुड इनोवेशन रिलेटेड और न्यू डेवलपमेंट फॉर इंडिया। उसका प्राइस भी बहुत अच्छा खासा लगभग 1 लाख डॉलर्स कुछ है, तो दैट इज़ रियली गुड एंड पॉजिटिव मोमेंट। उसके बाद US का शटडाउन चल रहा है, एक्चुअली ये बहुत इजी लगता है बोलने के लिए US शटडाउन चल रहा है, मगर वहाँ पे जो फर्लॉग एम्प्लॉयज है जिनका सैलरी रुका हुआ है जो नॉर्मल वर्क्स करते हैं, तो दैट इज़ रियली बैड फॉर देम। और बहुत सारे इश्यूज पे ये अफेक्ट करने भी लगा है कि जो उनका डॉलर का ओवरऑल एक्सपोजर है उस पे ये अफेक्ट करने अभी धीरे धीरे शुरू हो गया है, तो आई होप कि ये रिजॉल्व हो जाए। फिर भी ऐसे आसार तो दिख नहीं रहे कि US शटडाउन रिजॉल्व हो रहा है इतना जल्दी। वो एक्चुअली जो मेक्सिको का उनका बॉर्डर है उसके ऊपर मिस्टर ट्रम्प अड़े हुए हैं कि वो बॉर्डर वॉल खड़ी करना चाहते हैं, और उसके लिए सीनेट को या फिर उनकी जो संसद है उससे वो फंडिंग मांग रहे हैं, तो जो अपोजिट है डेमोक्रेट जिनको अभी फिलहाल में एक जो दो गृह होते हैं सीनेट संसद के, तो उसमें से एक में मेजोरिटी था तो उन्होंने होल्ड पे रखा है, तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स टसल चल रहा है। उसके बाद गोल्ड लगभग 32,500 रुपये पर 10 ग्राम तक पहुंच गया है, गोल्ड का भाव बढ़ रहा है, इट इज़ लाइक मतलब एक फियर ऐड करने जैसा सिस्टम है, जब जब गोल्ड बढ़ता है तो मार्केट डाउन होता है, ये एक वर्ल्ड नोन ओपन सीक्रेट है। इसके बाद डॉलर तो अभी फिलहाल बुरी तरीके से हाई पे चल रहा है, और इम्पोर्टेंट मूवमेंट जो हो रहा है वो पाम ऑयल अपने हाईएस्ट लेवल पे, तो ये चीज़ मैं क्यों नोटिस कर रहा हूँ क्योंकि पाम ऑयल जो है वो बहुत सारी कंपनीज के लिए रॉ मटेरियल करके काम करता है, जैसे कि जो फूड इंडस्ट्री है, उसके बाद में
जो हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनीज है जिनका रॉ मटेरियल पाम ऑयल से रिलेटेड एक्सट्रैक्ट्स वगैरह होता है जिससे सोप वगैरह बनता है, तो वो एक इम्पैक्ट कर सकते हैं उनके मार्जिन पे, ऐसा मेरा अंदाज़ है। लेट्स सी, उसके डिटेल्स चेक करने पड़ेंगे। उसके बाद बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, तमिलनाडु अभी रिसेंटली गुजरात में हुआ, उसके बाद में उड़ीसा का अभी चालू होने वाला है, तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इवेंट्स रन कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव और अच्छा डेवलपमेंट है जिसके हमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स मिल रहे हैं इंडिया को एक्सटर्नली प्लस अदर स्टेट्स से एक दूसरे स्टेट्स को। ठीक है, उसके बाद इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो चाइना को जो हमेशा होता है उसके कंपेयर में बढ़ गया है, तो चाइना का और अमेरिका जो टसल चल रहा है उसका कुछ फ़ायदा अभी हमें थोड़ा बहुत होने लगा है। हालांकि वियतनाम वगैरह जो कंट्रीज़ है वो इसका ज़्यादा बहुत सिग्निफिकेंट फ़ायदा उठा रहे हैं, हम फिर भी उसमें थोड़ा पीछे। और एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो देखा वो सेबी ने पॉनी शुगर करके एक छोटा स्टॉक है तो उसके स्टॉक में मैन्युपुलेशन करने वाले कुछ इन्वेस्टमेंट फॉर्म्स है जैसे कि गैंडी इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा वगैरह, दो तीन इन्वेस्टमेंट फॉर्म्स हैं, तो उनको 5 लाख 10 लाख 15 लाख ऐसे अलग अलग केसेस पे 25 लाख तक का फाइन किया है। तो ये एक इंडिकेशन है कि कहीं कुछ, ये तो नॉन केसेस हैं, जो केसेस हमें पता नहीं है, तो ऐसे कितने हो सकते हैं हमें सोचना चाहिए कि स्टॉक प्राइजेस में मैनिपुलेशन होता है खास करके स्मॉल कैप वगैरह। उसके बाद MSCI जो इंटरनेशनल स्टॉक एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट एजेंसी है वो उनके कैलकुलेशन में थोड़ा चेंजेस करने वाली है, तो उससे उसके वजह से जो FPIs हैं उनके फ्लोज को अलग तरीके से काउंट करने वाले हैं, तो ओवरऑल उसका जो कस्प है वो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ओवरऑल जो इंडिया को आने वाला इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा 0.2-0.3% कम हो सकता है। वो दिखने में परसेंटेज वाइज बहुत कम है मगर ओवरऑल वो बहुत सिग्निफिकेंट लार्ज अमाउंट में इम्पैक्ट करता है लॉन्ग टर्म में। तो ये कुछ चेंजेस मैंने आज ऑब्जर्व किए, इसके अलावा कुछ आपके माइंड में भी हो या फिर आप कुछ करेक्शन बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। ये एक मेरा न्यू सीरीज मैंने शुरू किया जिसमें मैं छोटे मोटे चेंजेस जो सिस्टम में हो रहे फिनांस रिलेटेड वगैरह तो वो नोटिस करने की और आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। दो मेरे ओपिनियंस इतने प्रॉपर आपको नहीं लग रहे होंगे तो मैं इसमें इम्प्रूव करने की और ज़्यादा प्रिसिजन लाने की और ज़्यादा इम्पोर्टेंट चेंजेस नोट करने की कोशिश करूँगा। और थैंक यू फॉर लिसनिंग शेयर मार्केट फ्रेंड, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो के नीचे शेयर जो लिंक है उस पर क्लिक करते हैं तो जो लिंक आएगा वो व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह पर शेयर कर सकते हैं, और साथ में मेरे चैनल पे वीडियो सेक्शन में जाके आप बहुत सारे वीडियोज हैं वहाँ पे वो चेक कर सकते हैं। और लिंडे इंडिया पे भी मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जब ये शुरुआत में ऑफर लाए थे तो उसमें अभी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज आ गए। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग शेयर मार्केट फंड।